वेलकम टू वॉलनट सरप्राइज। मैं हूं संजीव कपूर और संजीव कपूर के साथ में खाना बनाने का जो मज़ा है ना वो अपने आप आना शुरू हो जाता है, क्योंकि खाना जो है मुझसे बात करता है, आपसे भी बात करनी चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि जब कोई लोग हवा में बात करते हैं तो उनका दिमाग ठीक नहीं होता। अच्छा, दिमाग से मुझे याद आया, दिमाग के लिए ठीक करने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ होती है वॉलनट, और वॉलनट सरप्राइज़ है। तो इसके अंदर जो चीज़ है वो दिमाग जैसी दिखने वाली होती है, और इसके अंदर खाने का जो मज़ा है, एज ए स्नैक खाइए, खाने में डाल के खाइए, सैलेड में डाल के खाइए। अगर ये रोज़ खाना शुरू कर देना तो एक तो कुछ चीज़ भूलेंगे नहीं, और मैं क्या कह रहा था, मैं वॉलनट कम खा रहा हूँ। नहीं, मैं कुछ भूलता नहीं हूँ, बहुत सारी चीज़ें याद रखता हूँ। मैं अभी फ़्लाइट में एक आ रहा था तो एक सज्जन मुझसे मिले, कहते हैं कि आप इतनी सारी रेसिपीज़ याद कैसे रखते हैं। तो मैंने भी सोचना शुरू किया कि मुझे ऐसे याद कैसे रहती हैं। नहीं, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ जो चीज़ें होती हैं जो अपने आप हो जाती हैं, जैसे सांस लेना जो है वो, उसको याद थोड़ी रखना पड़ता है, अपने आप हो जाता है, दैट्स पार्ट ऑफ यू। तो मेरे लिए भी खाना कुछ ऐसे ही है, रेसिपी बनाना, रेसिपी को याद नहीं रखना पड़ता। अच्छा, कौन सी रेसिपी बना रहा था, याद है आपको? नहीं, मैंने बताया कहाँ अभी आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो रेसिपी है ये बड़ी सिंपल सी रेसिपी है। बढ़िया सा पैन लिया, नॉनस्टिक पैन, और इसके अंदर डालते हैं हम तेल, और ये तेल डाला इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है डालने की। और फिर ज़रा थोड़ा प्याज, और ये जो प्याज है ये प्याज में पुलाव बना रहे इसके साथ साथ इसके अंदर ये थोड़ा we'll be right back।
आ गया। मैंने कहा अब इसके अंदर नट्स भी आ गए हैं, तो ड्राइड अगर नट्स हैं तो थोड़े से ड्राइड फ्रूट्स भी आने चाहिए। तो ये जो पुलाव है इसके अंदर नट्स भी हैं और फ्रूट्स भी हैं ड्राइड। तो ये वॉलनट ये इसके अंदर दूध के साथ में ये सब्जी बढ़िया से बन गई। वॉलनट इसके अंदर और जो वॉलनट हैं ये तो अब बताने की ज़रूरत रही नहीं है कि मतलब क्यों खाने चाहिए, क्योंकि अगर दिमाग को तेज़ रखना है, अगर हार्ट को हेल्दी रखना है और एंटीऑक्सीडेंट्स की सप्लाई ढेर सारी चाहिए तो वॉलनट तो खाने ही पड़ेंगे। रेसिपी है सोयाबीन का पुलाव वॉलनट के साथ में, और जो ड्राइड फ्रूट है वो है क्रैनबेरी। तो ये मेरे पास में क्रैनबेरीज हैं, थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी, तो ये क्रैनबेरीज इसके अंदर खट्टा मीठा टेस्ट ये आ गया। और ये सब्ज़ी बढ़िया से बन गई। अब ये जो है बेस तैयार है हमारा पुलाव के लिए। पुलाव के लिए हमने क्या किया है, ये बढ़िया से बासमती चावल एकदम अच्छी क्वालिटी के, इसके अंदर थोड़ा लाल मिर्च और उसके साथ में सॉल्ट टू टेस्ट, नमक स्वाद अनुसार। अब क्योंकि पुलाव बनना है तो पुलाव के हिसाब से मुझे नमक डालना पड़ेगा। ये मेरे पास पानी। अच्छा आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने जो सोयाबीन है उसकी क्वांटिटी कम नहीं रखी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो प्रोटीन है वो ढेर सारा इसके अंदर आए, वॉलनट भी ढेर सारे इसके अंदर डालें। मतलब पुलाव खाएं तो ऐसा नहीं लगे कि मतलब सिर्फ गार्निश नहीं है किसी की। अगर सोयाबीन कह रहे हैं वॉलनट कह रहे हैं तो दोनों इसके अंदर हैं। बासमती चावल ये इसके अंदर, देखिए मैंने कहा था ना कि हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी सी हल्दी हमने इसके अंदर डाली और फिर अब इसे कर दिया मिक्स। और इसको अब हम उबलने देते हैं ताकि उबल के चावल जो है पूरी तरह से पक जाएं और सारा का सारा टेस्ट इसके अंदर आए। थोड़ा गरम मसाला डालेंगे तो थोड़ा और फ्लेवर बढ़िया आएगा। ये जो गरम मसाला पाउडर है ये बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, तभी खुशबू। हाँ 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 एकदम बढ़िया। चावल को पानी के अंदर करीब बासमती चावल आधा घंटा तो भिगो के रखें ताकि वो जब पकें तो उसकी जो हाइड्रेशन है वो बढ़िया से हो, दाना एकदम बढ़िया खिला हुआ निकलेगा। अगर अच्छी क्वालिटी के चावल बासमती चावल हैं तो एकदम बढ़िया पुलाव बनेगा। इसके अंदर हमने थोड़ा प्रेशर डाल दिया इस पर, क्योंकि जो सोया ग्रैन्यूल्स हैं वो ढेर सारे, वॉलनट ढेर सारे, तो चावल थोड़ा सा सफोकेट हो जाता। कहता है मुझे भी थोड़ा रास्ता दीजिए, कोई बात नहीं बना लेगा रास्ता। सोया पुलाव जाग गया नहीं, देख लेते हैं वॉलनट ने जगा दिया होगा इसको। ओहो हो नाइस, ओहो ब्यूटीफुल। पुलाव एक बोल में सोया ग्रैनुल्स डालें, साथ में डालें गरम दूध। एक गहरे नॉनस्टिक पैन में तेल गरम करें, प्याज को स्लाइस करें, फिर पैन में डालें दालचीनी, लौंग, इलायची और शाही जीरा। अब डालें स्लाइस किए हुए प्याज और सुनहरा होने तक भूनें। फिर डालें अदरक लहसुन पेस्ट और हल्दी पाउडर और एक मिनट तक भूनें। फिर डालें दूध के साथ सोया ग्रैनुल्स, मिलाएं और एक से दो मिनट तक पकाएं। अब डालें कटे हुए कैलिफोर्निया वॉलनट्स, मिलाएं और एक मिनट तक पकाएं। फिर डालें सूखे क्रैनबेरीज और अच्छे से मिलाएं। अब डालें लाल मिर्च पाउडर, नमक और 2.5 कप पानी और मिलाएं। फिर डालें चावल और मिलाएं। अब डालें गरम मसाला पाउडर, मिलाएं और चावल के पूरी तरह तक पक जाने तक पकाएं। कैलिफोर्निया वॉलनट्स, क्रैनबेरीज और स्प्रिंग अनियन कलर से सजा कर गर्मा गर्म परोसें।